स्वागत है जी आज के हमारे ब्लॉग में। और आज है 15 तारीख और सुबह के 6:15 बज चुके हैं। बच्चे अभी दोनों सोए हुए हैं तो इसलिए टाइम का यूटिलाइज़ किया और बालों में लगा लिया सुबह सुबह तेल। ये जो है वॉश कर लूँगी, है दिन में कर लूँगी, 2-3 घंटे लगा रहेगा जब तक। और फिर देखते हैं, अभी आज सूट काट लेते हैं क्योंकि कई दिन हो गए हैं ढंग से काम नहीं हो पा रहा है बस सिलाई वाला। तो अब देखते हैं, काटेंगे सूट और मासी को आ जाना, मासी पानी पीने गई है। और फिर बच्चे उठ के तो उनके लिए चाय चाय बना लेंगे और खुद के लिए बना लेंगे चाय, क्योंकि बिना चाय तो मुझसे सुबह का मतलब काम तो वैसे मुझे कुछ करना ही नहीं है, अभी फिलहाल कर ही नहीं रही हूँ मैं। बस यूँ कि सुबह सुबह चाय ज़रूर हो गई अभी शुरुआत अपनी सूट काटने की। मासी आ गई है और सुस्ती छाई हुई है शरीर में सुबह सुबह ही। आज तो मैं मेरा भी कटवाऊंगी, जो है सिलने की जो सोच रही हूँ वो रखा वहाँ पे, अभी मासी से देखूंगी ताकि दिन में अपना स्टार्ट कर लें काम। और कित्तूर का पजामे पजामे सिल दिए थे सारे, अब और देखते हैं कित्तूर के लिए क्या सिलना बाकी रह गया है। किरत उठ चुकी है और समय हो गया 7:15। किरत को दूध ला के दे दिया मैंने, चाय दी है, दूध तो नहीं दिया है। और पहले पिला दिया था पानी, क्योंकि पानी सही रहता है सुबह उठ के पिलाना, तो इसलिए पहले पानी पिला दिया। और अब कित्तू को दे दिया दूध, है ना कित्तू। हाँ, दोपहर के बज चुके हैं 12 और आज मैं नहाई नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि मैं सोच रही हूँ शाम को नहा लूंगी। और नहीं क्योंकि मैंने बालों में तेल लगा लिया था, तो फिर इसलिए मैंने अच्छा। सोचा कि शाम को ना हेयर वॉश कर लूंगी क्योंकि गुरुद्वारे जाऊंगी। सोच रही हूँ आज मैं शाम को जस्सी को बोल दूंगी, अब जब तक मैं हूँ ना शाम को गुरुद्वारे ले जाया करें मुझे, तो शाम को जाऊंगी गुरुद्वारे, उससे पहले नहा लूंगी। और अभी मैं ना किरत का कमीज सिल आई हूँ, मेरी सलवार बाकी है। तो क्योंकि सिम्मू सो गई थी ना, सिम्मू उठ गई, तो फिर उठने के बाद मैं इसको लेके बैठ गई। तो अब देखती हूँ मैं, मेरा जो है सलवार वो सिलाई कर लेंगे। और कीरत आ गई अभी आंगनबाड़ी में से, तो उसको मिले चावल और बिंदर तो चावल मांग रही है, कह रही चावल खाऊंगी। सिम्मू खेलने लगी हुई है क्योंकि ये लिया एक रील का डब्बा और वो कुछ गले जो बने बनाए गले होते ना वो लिए हैं, और इसको खेलने तो यहाँ पे डब्बे ना खोल दे कहीं। ये बिंदर को मिल गया है चावल, ये देखो सिम्मू के और कित्तू के। ये कित्तू भी खा रही है, कहाँ गई थी कित्तू आप। विजू तो गया घर पे बेटा, कह रही अच्छा तेल है बेटा वो सिलाई का, कहीं पी जाओ आप पानी समझ के। इन दोनों का भोजन चल रहा है इस समय, खाना खा रहे हैं। वो देखो क्या बोल रही है उसे, क्या सिमू ये क्या है ना, देखो चोक खा गई होती। और मैं दिखा देती हूँ आपको, देखो किरत की कुर्ती हो चुकी है तैयार बिल्कुल, यहाँ पे लास्ट ये लगनी थी सिलाई, लगा दी है मैंने, बस खोल लेती हूँ इसे सिलाई को निकाल। इसको कर लेते हैं सिर्फ, और ये देखिए ये हो चुका है तैयार। दवाई दी थी ना सो के उठी है इसलिए, तो ये देखो ये सील दिया। इसमें ज़्यादा पैरेट कलर दिखाई दे रहा है लेकिन इतना पैरेट नहीं है, हल्का सा पैरेट कलर है ये। और ये कित्तू का कुर्ता सील दिया अपने ने, और अब ये है मेरी सलवार, ये रखी काट रखी है, अब इसको सील लेते हैं, पहले जोड़ देंगे और फिर सिलाई कर देंगे। और मौसी ने कर लिया सुबह सुबह पैसे खर्च, है ना, खूब पैसे खर्च कराई मौसी सुबह सुबह आज। ये देखो ये देखो और ये देखो कितने का दिया, और ये देखो ये सारा सामान मौसे ने खरीदा अभी। ये तेल है और कित्तू को लगा ये पानी है, मैं अभी लगी थी खोलना ना। हाँ ये भी पी जाती क्या, अब तो पानी समझ के। ये लीक सा हो रहा था, हो रहा लीक हो रहा है। पैर के 2:30 बज गए हैं, कित्तू सो गई और समृत सोने का नाम नहीं ले रही, और अपने घर आ गए। देखो पड़ोसी कपड़े धोने, जिनके यहाँ शादी थी वो यहाँ कपड़े धोने आए हैं, क्योंकि उनके यहाँ पानी की दिक्कत हो रखी है इस वजह से यहाँ आ गए हैं फिर वो। और मासी कर रही है उनके साथ बात, और मैंने सलवार तो जोड़ ली है लेकिन पूरी नहीं करने दे रहे बच्चे, और सलवार तो मैंने जोड़ ली है लेकिन अभी जो है पूरी नहीं हुई है क्योंकि बच्चे बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं,
जिस वजह से अभी कंप्लीट नहीं हो पा रही, लेकिन कोई बात नहीं, है टाइम तो शाम तक देख लेंगे, कर लेंगे कंप्लीट। अपना हो गया खाना खाने का टाइम। ये देखिए खाना, रोटी बना दी मासी ने, दाल भी मासी ने बना दिया और ये अचार बहुत टेस्टी है, तो इसलिए मैं नींबू का अचार ले आई हूँ। वो रोटी मांग रही है और ये कह रहे कि कपड़े धुलवाओ पहले फिर रोटी देंगे, और वो कह रहे 20 रोटी लेऊंगी। तो मासी उसको गई है रोटी देने, दे दिया मासी ने उसको रोटी। और यहाँ कपड़ों की धुलाई चल रही है धोबी घाट। ये देखिए हमारा छोटा टेलर, जिस जिसने सूट सिलवाना जल्दी से आ जाओ, है ना सिमो, छोटे टेलर सिमो, छोटे टेलर शिमू, ओ सिम, छोटा टेलर किसी की तरफ इशारा करके दिखा रहा है, क्या कबूतर पिजन दिखा रहा है। सिमू पिजन कहाँ पर है? सिमू सत श्री अकाल कर दो मेरे बच्चे, सत श्री अकाल, देख लो सत श्री अकाल सिमू का। और अब शाम के बच चुके हैं, अच्छा है, और हम नहा धो चुके हैं। इस समय नहाई हूँ आज, मैं पूरा दिन हो गए यूं ही बैठी थी, बस सलवार का लालच कर लिया था, मैंने सोचा सलवार सिलवाल सी लेती हूँ, और अब मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। और कीरत को देख, कीरत खेलने लगी हुई है यहाँ पर, ये देखे राजू बुला रहे थे, क्यों बुला रही थी मुझे क्या? अब मैं और जस्सी जा रहे हैं गुरुद्वारे, क्योंकि आज मैंने जस्सी को बोला था कि शाम को जब मत्था टेकने जाएगी ना गुरुद्वारे, तो मुझे भी ले जाएगी। सुबह तो पता बच्चों के साथ में से उठा नहीं जाता, और अगर उठ भी जाओ ना फिर यूँ डर लगता है कि अगर मैं और मासी वहाँ चले गए ना गुरुद्वारे, कि अगर पीछे से बच्चे उठ गए तो फिर संभालेगा कौन। तो अब मैंने सोचा चलो शाम को चले जाते हैं। आ गए हम गुरुद्वारा से, देखो ये हो रही है चंपी मास्टर के। हम गुरुद्वारे से आ गए थे, फिर बस आके सिमू रोने लगी, तो मैंने सिमू को ले रखा है, और मासी आ गई, और सुमन मासी लगवा रही है तेल, और ये तेल बनाया था हमने, वो तेल है ये, ये देखो काला काला सा हो रखा है। तो ये मासी कह रही तभी इसमें अजीब सी स्मेल आ रही है, इसकी रेसिपी डालूंगी शॉर्ट्स में डालूंगी, पहले तो मैंने सोचा था व्लॉग में डाल दूंगी, लेकिन व्लॉग में तो मैंने डाली नहीं, तो अलग से शॉर्ट्स बनाऊंगी, हाँ बनाया हुआ है, तो शॉर्ट्स में डालूंगी इसकी आज रात को ना एडिट करके, और देखूंगी कल डाल दूंगी या फिर रात को ही डालूंगी। हाँ मासी कह रही नींद की गोली दे के इनको करके चित, और फिर अपना व्लॉग एडिट कर लेंगे। ये देखो सिमू सुन रही है सारी बात, रिकॉर्ड कर रही है अपने दिमाग में ना सिमे, फिर बताऊंगी क्या, तो बड़े होते देख अभी बता रही है ये तो। अब बज चुके रात के 10:15, खाना पीना सब कुछ हो चुका है, मासी भी सो गई है, लेकिन मैं बैठी हूँ, बिंदर बैठी है, बिंदर देख रही है फोन, और कितू खेल रही है, ये देखो यहाँ पे सिमू सो गई है, ये देखो यहाँ पे। और यही था आज का हमारा व्लॉग, बताइएगा आपको कैसा लगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़ व्लॉग पे कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, और आने वाले टाइम में किस तरीके के व्लॉग्स आप जो है देखना पसंद करेंगे। तो इसी के साथ गुड नाइट, शब्बा खैर।